और सैलाब देखता हूं तो आता है ये ख्याल, सैलाब देखता हूं तो आता है ये ख्याल, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। तो गुस्ताख कहते हैं कि हुसैन की तकदीर में नहरे फरात का पानी नहीं था। मैंने महाराष्ट्र में एक सालिम से कहा था, उनका सुन, तू कहता है हुसैन तकदीर में नहरे फरात का पानी नहीं था। अरे हम कहते हैं ये नहरे फरात की कम नसीबी थी कि चलकर हुसैन के कदमों में नहीं आया। अगर आ जाता तो आज उस पानी को वही मकाम हासिल होता जो कि आप जमजम को हासिल है। मदर कॉलोनी के सुन्नी भाइयों, आज इंशाल्लाह बहुत अच्छा मूड है मेरा और मैं देख रहा हूँ मुझसे कहीं बढ़कर के आप लोगों का मूड है। आपने हक अदा कर दिया। अजीदानी मिल्लत इस्लामिया, कुरान पाक का दूसरा पारा है, तीसरा रुकू है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात, मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुमको उनकी जिंदगी का शोर नहीं। जश्न शहीद आदम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कौन है हुसैन आदम, क्या भी आपको ये भी खबर है? तो आप कहोगे जाकिर हमीरपुर हुसैन आदम अली के बेटे हैं, फातिमा के दिल का करार है, जन्नती जवानों के सरदार है, लेकिन शहादत में जाने से पहले हुसैन आदम का एक सजदा बता करके चलो ताकि आपकी तकरीर समझ में आ जाए, तकरीर सर से ना उतरे। आप कहोगे मौलाना का एक सजदा भी होता है, प्यारे यही तो कमाल है, इधर एक सजदा फातिमा का है, उधर एक सजदा हुसैन आदम का है। अजीदा ने मिल्लत इस्लामिया, हुसैन आदम दुनिया में तशरीफ लाए, नबी को खबर मिली या रसूल अल्लाह आपका नवासा दुनिया में तशरीफ लाया है। मेरे प्यारे नबी अपनी बेटी के घर तशरीफ लेकर के गए, जाने के बाद में सरकारे इमाम हुसैन को अपनी आगोश मोहब्बत में ले लिया, लेने के बाद में दाहिने कान में अजान पड़ी, बाएं कान में तकबीर पड़ी। अजीदानी मिल्लत इस्लामिया, नबी की आंखों में आंसू
आंसू आ गए, लेकिन जिस वक्त नबी की आंखों में आंसू आए थे उस वक्त हुसैन आदम के लब हिल रहे थे, गोया के हुसैन आदम कुछ बोल रहे थे। तकरीर समझने की कोशिश करें, इसलिए अब चाय में थोड़ी सी जल्दी कीजिएगा। अजीदा ने मिल्लत इस्लामिया अभी पिलाने दीजिए, जो जो रह गए हैं उन्हें पिलाने दीजिए। मैं कभी मना नहीं करता, इसलिए कि कुछ लोग चाय के शौकीन, पंखा मेरी तरफ से हटा दीजिए, कुछ लोग चाय के शौकीन होते हैं ये, और जो कुछ लोग ऐसे कुछ लोग चले भी जाते हैं, कोई बात नहीं, मेरी उनसे भी कोई शिकायत नहीं रहती, इसलिए कि ये तो अपनी अपनी तकदीर होती है कि किसी को माल पसंद होता है और किसी को इसके बिलाल पसंद होता है। हमारा नाजिम साहब कबला, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक शेर और पढ़ना पड़ेगा तब चाय का प्रोग्राम खत्म होगा। अरे मोने की रो क्या फरमाया, रहमत के फरिश्ते आए हुए, ये नहीं फरमाया कितने आए हैं। आगे अली तशरीफ लाए, कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो मैं भी अपने बेटे को अंदर देख करके आऊं। नबी ने फरमाया अली तुम्हें इजाजत है। अली अंदर तशरीफ लेकर के गए, आपने जाने के बाद में इमाम हुसैन को गोद में लिया, प्यार किया, पेशानी का बोसा लिया। अजीदा ने ग्रामी बाहर आ गए, सहाबा किराम ने पूछा ए अली आपने अंदर क्या देखा। अली कहते हैं लोगों मैंने देखा कि मेरे बेटे की ज़ियारत के लिए आसमान से 1,40,000 फरिश्ते आए हुए हैं। अब यहाँ एक नुक्ता बयान किया गया, चाय भी अगर पी है और तकरीर भी सुनी है तो अहले स्टेज को छोड़ करके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ नुक्ता क्या है। यही तो फर्क होता है, ये हम और आपके दरमियान में यही तो मामला है। जब तक चाय ना चले प्रोग्राम कामयाब नहीं, शरबत ना चले जब तक कामयाब नहीं, जब तक तकरीर हुआ करे जलसा चला करे, मेरे ख्याल से ये सारे प्रोग्राम बंद रखा करो। बुरा मत मानिए, थोड़ी सी कड़वी लगी, नहीं समझ पाए नुक्ता क्या है। पैगंबर आजम ने फरमाया मेरे नवासे की ज्यारत के लिए आसमान से रहमत के फरिश्ते आए हैं, ये नहीं फरमाया कितने आए हैं, मुतलकन फरमाया। और अली ने क्या कहा, सहाबे इकराम ने पूछा तो अली ने क्या जवाब दिया, मेरे बेटे की ज्यारत के लिए आसमान से 1,40,000 फरिश्ते आए हुए हैं।
है, पहले स्टेज ना बोले फर्क क्या है दोनों, समझे ने? थोड़ी सी देर लग गई, तकरीर सुना करो तो समझा भी करो। लोकता यहाँ पर ये बयान हुआ, नबी ने तादाद न बताई थी, अली ने तादाद भी बता दी कि 1,40,000 फरिश्ते आए हुए हैं। इसी रिवायत को लेकर कुछ राफिजी लोग पूरी दुनिया में बावेला करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को बहकाते हैं, धोखा देते हैं कि देखो नबी को महाअल्लाह इल्मे गैब नहीं, अगर इल्मे गैब होता तो नबी तादाद बता दे फरिश्तों की, लेकिन नबी ने तादाद ना बताई, अली ने तादाद बता दी, लेकिन उन सालिमों को ये पता नहीं इसमें हिकमत क्या थी, मसलहत क्या थी, नबी ने तादाद क्यों ना बताई, इसलिए ना बताई थी नबी अपने अली के बारे में बताना चाहते थे, ये दुनिया वालों मेरा अली वो है, अना मदीना तुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, इल्म का शहर हो और अली उसका दरवाजा है, नबी अली के इल्म के बारे में ये बताना चाहते थे, अजीदा ने मिल्लत इस्लामिया वरना जिस खाना काबा के नबी ने सारे बुतों को तोड़ा था, एक ही तो बुत रह गया था, बड़े प्यार में नबी फरमाते हैं अली इस हसीन बुत तक मेरा हाथ नहीं जा रहा है, या रसूल अल्लाह कैसे टूटेगा, नबी फरमाते हैं अली मेरे कांधे पर सवार हो जाओ, अली बोले या रसूल अल्लाह दुनिया क्या कहेगी, कहा फिर चाहते क्या हो, अली बोले या रसूल अल्लाह आप मेरे कांधे पर सवार हो जाए, नबी ने फरमाया अली तुम शेर खुदा हो ये ठीक है, फातह खैबर हो ये भी ठीक है, लेकिन नबुव्वत का बोझ ना संभाल सकोगे, कहा आका फिर कैसे किया जाए, नबी फरमाते हैं मेरे कांधे पर बैठ जाओ, अली नबी के कांधों पर सवार हुए, जिस वक्त अली खड़े होते हैं नबी ने पूछा था वो अली कहां तक पहुंच गए हो, कहने लगे या रसूल अल्लाह आप पूछते हो कहां तक पहुंच गया, आप अगर आप इजाजत दें तो इस वक्त मैं इतनी बुलंदी पर हूं कि अर्श आजम का पाया छूने की सलाहियत रखता हूं। मदर कॉलोनी के सुन्नी भाइयों, अली नबी के कांधे पर एक बार सवार हो तो इतनी बुलंदी पर पहुंच जाए अर्शे आजम का पाया छूले, और वो इमाम हुसैन जो कि नबी के कांधों पर बार बार सवार हुए हो, उस हुसैन आजम के मकाम का अंदाजा कौन लगा सकता है। हम सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, सच्ची और पक्की लगन मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं, बोला बतवानी थोड़ी कड़ भी लगे, उंगली कटाकर के शहीदों में नाम लिखाते हैं, ये भी मैं साबित करूंगा अभी इंशाल्लाह कि सिर्फ उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखाते हैं, शर्त ये है कि अब आप बैठे रहिए और एक आप तो जना रह गया हो चाय से बेटा, अब तुम बैठ जाओ, अब तुम चाय के चक्कर में ही पूरा प्रोग्राम अब लगाओ, आप क्या समझ रहे हो मुझे बोलते हुए कितनी देर हो गई, एक घंटे 34-35 मिनट हो गए, आपको ये लगा नहीं होगा इतनी देर हो गई, बात कहां से चली थी, अभी आपको ये भी पता नहीं इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए, अभी पैदा ही हुए हैं, 40 रोज के हुए, खातून ने जन्नत फातिमा तुज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जा रही है चादर तकदीर में लपेटने के बाद, वो 72 पैमज लगी हुई चादर तकदीर, उसमें हुसैन आजम लिपटे हुए हैं, रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे जा रही है नबी की बारगाह में, तो बातें करती जा रही है, बेटा हुसैन तुम जानते हो मैं तुम्हारी कौन सी अम्मी हूँ, ए बेटा सुन लो मैं वो हूँ कि जब नमाज ईशा पढ़ने के बाद अपने सर को सजदे में रखती हूँ तो बेटा रात खत्म हो जाती है मगर तुम्हारी अम्मी का एक सजदा खत्म नहीं होता है, ए मेरे लाल ए मेरे लख्त जिगर, मैं कभी कभी दुआ करती हूँ मालिक मौला एक रात इतनी लंबी बना दे, इतनी लंबी बना दे कि तेरी फातिमा दिल खोल करके इबादत कर ले। अभी हुसैन कुछ नहीं बोले, फातिमा ने फिर जुमला दोहराया, अहले स्टेज की तवज्जो, फिर जुमला दोहराया,
अगर आज कोई काशीपुर की औरत एक सजदे वाली नमाज पढ़े, मौलाना शकील कहेंगे नमाज नहीं हुई, सजदा एक रह गया। अली महमूद रजा कहेंगे जाकिर हमीरपुरी नमाज नहीं हुई, सजदा एक रह गया। मौलाना नाजिम कहेंगे सजदा एक रह गया। मौलाना अब्दुल मुबीन कहेंगे नमाज नहीं हुई, सजदा एक रह गया। है कोई माई का नाम जो फातिमा के सजदे पर फतवा लगाए, ए फातिमा तुम्हारा एक सजदा रह गया इसलिए नमाज नहीं हुई। तारीख का तेवर बोलता है जब फातिमा ने तीसरी मरतबा कहा था बेटा एक ही सजदा रह जाता है, अभी दूसरा अदा करने का नंबर नहीं आता। तारीख का तेवर बोलता है चादर तकदीर हिली, चादर में कुछ हिलने लगा। फातिमा सोचती है जल्दी से चादर खोल करके देखा शायद मेरे बेटे को कोई तकलीफ तो नहीं हुई। देखा हुसैन आजम के लब हिल रहे थे, हुसैन कुछ बोल रहे थे, अभी तो 40 दिन के हैं। या अल्लाह हुसैन आजम ने बोला तो क्या बोला, कहा तो क्या कहा। तारीख का तेवर बोल रहा है हुसैन आजम ने कहा था उम्मीदवार फिक्र न करो, मैंने सुन लिया है कि तुम्हारा एक ही सजदा रह जाता है, दूसरा अदा करने का नंबर नहीं आता। ये उम्मीदवार तुम्हारा बेटा वादा करता है, अगर वक्त आया तो तुम्हारे सजदे की जोड़ तुम्हारा बेटा हुसैन ही लगा करके जाएगा। नारे शहीद यात्रा करो जनाब हाफिज ओकारे जाकिर हुसैन साहिब किबला, नारे तकबीर नारे रिसालत। ए अम्मी जान मैंने सुन लिया, फिक्र ना करे, वक्त आया तो तुम्हारे सजदे की जोड़ तुम्हारा बेटा हुसैन ही लगा करके जाएगा। अब यहां से हम तेजी से सबक शुरू करें वरना रात के 4 बज जाएंगे। तवज्जो है, एक मरतबा कह दीजिए या हुसैन। सजदे का वादा कर लिया है इमाम हुसैन ने, सफर शुरू कर दिया मदीना मुनव्वरा से मक्का की तरफ, मक्का से कूफा की तरफ। लेकिन क्या डायरेक्ट चले गए, आया सामान चलती। बोलो भाई इन उलमाए किराम से पूछो तो ये बताएंगे डायरेक्ट नहीं गए, पहले अपनी अम्मी जान और सरकार की बारगाह में हाजिरी के लिए गए, और सबसे पहले सरकार की ही बारगाह में हाजिरी के लिए। उनके बाद अपनी अम्मी जान की तुर्बत अंबर पर फाथा पड़ी, इजाजत ली। और तारीख यहां तक बताती है कि इमाम हसन के मजार मुकद्दस पर भी गए, अपने बड़े भाई के मजार शरीफ पर भी गए। पता ये चला हम कहीं का सफर शुरू करें तो पहले अगर हमारी मां जिंदा है तो उनसे इजाजत ले लें, बाप जिंदा है तो उससे इजाजत ले लें, और अगर जिंदा नहीं इंतकाल हो चुका है तो कब्र में जाने के बाद फाथा पड़े, आंखों को बंद करें और तसव्वुर में इजाजत। इसलिए कि हमारा ताल्लुक बाद इंतकाल भी अपने अजीज और अकारीब से रिश्तेदारों से बरकरार रहता है। गए हैं नाना जान के रोजे पर सलाम किया फाथा पड़ी, धीरे से कहते हैं नाना जान जो कपाला हुसैन आपकी बारगाह में रन की इजाजत लेने के लिए आया है। आज आपका नाजो कपाला हुसैन आपकी बारगाह में हरने का बच्चा मांगने के लिए नहीं आया है। अजीदा ने गिरामी इजाजत ली, चल लिए 10-20 कदम चले थे कि फिर पीछे को मुड़ करके देख लिया, नाना जान के रोजे को देखा रोना आ गया, मदीने के दरो दीवार को देखा तो फिर रोना आ गया। अगर आज हम और आपसे कोई गवर्नमेंट का आदमी आकर के कहे कि अपनी जन्मभूमि छोड़ दो, काशीपुर को छोड़ दो, अपने जिले को छोड़ दो, ईमानदारी के साथ बताओ प्यारे कलेजे पर हाथ रख कर के दिल पर क्या गुजरेगी। पहले तो छोड़ोगे ही नहीं, कहोगे हमें यही मरना मंजूर है, लेकिन जगह छोड़ना मंजूर नहीं। और अगर किसी वजह से छोड़ना पड़ भी गया तो जहां तक नजर आएंगे काशीपुर के दरो दीवार, मुड़ मुड़ करके देखते रहोगे, फिर काशीपुर निकल जाएगा तो जहां तक जिले के दरो दीवार नजर आएंगे, मुड़ मुड़ करके देखते रहोगे, अब जिला भी निकल जाएगा तो जहां तक
सूबे के दरो दीवार नजर आएंगे, मुड़ मुड़ करके देखते रहोगे। अब अगर सूबा भी निकल जाएगा तो फिर जहां तक अपने भारत के दरो दीवार नजर आएंगे, मुड़ मुड़ करके देखते रहोगे। इसलिए कि ये इंसानी फितरत है, हर एक इंसान को अपनी जन्मभूमि से प्यार होता है। हजरत इमाम हुसैन ने इजाजत ली मगर फिर पीछे को मुड़ करके देख लिया तो आंखों में आंसू आ गए और रो रो करके कहने लगे कि नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, और मैं जा रहा हूँ तेरे मदीने की खैर हो। अभी कब्र अनवर से कोई आवाज नहीं आई, जब नहीं आई तो फिर जोर से रोने लगे और बचपन याद दिलाने लगे और रो रो करके कहते हैं कि नाना मुझको देखिए मैं आपकी तस्वीर हूँ, नाना मुझको देखिए मैं आपकी तस्वीर हूँ, और जिसको जाओ बेटा हुसैन हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुमको सब्र अता फरमाए, हिम्मत और कुव्वत अता फरमाए। इजाजत ली और फिर अपनी अम्मी जान की तुर्बत अनवर पर हाजिर होते हैं, फातहा पढ़ते हैं, घर की इजाजत लेते हैं और फिर अपने भाई इमाम हसन की बारगाह में जाते हैं, जाकर के सलाम करते हैं। हे भाई हसन आपका नाजो कपाला हुसैन आपकी बारगाह में रब की इजाजत लेने के लिए आया है। ये भाई हसन आप तो बाजार में आराम कर रहे हैं लेकिन क्या आपको अपने भाई का बिल्कुल ख्याल नहीं है? ये भाई हसन आज हम लोगों के ऊपर मदीना मुनव्वरा में जगह तंग हो गई है। ये भाई वो मदीना जिस मदीने के लिए तमाम नमाजी सुबह को फजर की नमाज पढ़ते हैं तो दुआ में कहते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वो भाई हसन वही मदीना छोड़ करके जा रहा हो, यार प्यार हो तो ऐसा हो, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। क्या बात है, नारे तकबीर नारे और कोई ये कह दे कि जन्नत में जाने का नंबर है दोनों भाइयों का मगर नंबर से जाओ, जन्नत में जाने का नंबर है मौलाना शकील साहब दो भाई हो मगर नंबर से जाओ, तो बड़ा क्या कह रहा है ये कह रहा छोटे वाले से कि पहले तू चला जा, सही बताइए दिल पे हाथ रख क्या कह रहा यार पहले मुझे चला जान दे मेरा ही नंबर है, तो छोटा क्या कह रहा ना तुम तो बड़े हो ही पहले मुझे ही जान दे। मगर बाहरे हुसैन आजाद एक मरतबा सरकार ये फरमा रहे थे कि सलाम में पहल करो, ये नादे को छोटा है ये नादे को मोटा है, आप ये मत समझिए ना मौजू से हट रहे, मौजू से जुड़ी हुई बात है, मेरी आदत नहीं मौजू से हटने की, अल्लाह का बड़ा करम है प्यारे हबीब का सदका मेरे माँ बाप की दुआएं साथ बिल्कुल नहीं हटता हूं, अल्लाह का करोड़ हर एहसान है। तो नबी ने फरमाया सलाम में पहल करो, ये नादे को छोटा है ये नादे को मोटा है ये नादे को गरीब है, फरमाया पहल करो। ये गलत बात है, तरीका बताया
चलने वाला बैठे हुए को सलाम करे, मोटरसाइकिल वाला पैदल वाले को सलाम करे, शागिर्द अपने उस्ताद को सलाम करे, इमाम साहब अपने जोर से बोलो मुक्तदी को सलाम करे, यही कहोगे ना? मैं नहीं कहूंगी, आप माशाल्लाह सब उस्ताद हैं। साल हर साल जलसे वरना एक जगह मैंने पूछा था कि इतनी देर में कह दिया था कि इमाम साहब अपने मुक्तदी को सलाम करे, हालांकि ये भी कोई गलत बात करना चाहिए, लेकिन एक तरतीब। नबी फरमाते हैं मुरीद अपने पीर को सलाम करे, शागिर्द अपने उस्ताद को सलाम करे, मुक्तदी अपने इमाम को सलाम करे, बेटा अपने बाप को सलाम करे, बेटी अपनी माँ को सलाम करे, शागिर्द उस्ताद को सलाम करे। आगे नबी फरमाते हैं छोटा अगर भूल जाए तो बड़ा भी इंतजार ना करे, छोटा अगर जी बड़ा भी इंतजार न करे। मिसाल के तौर पर बेटा भूल गया तो बाप सलाम कर ले, शागिर्द भूल गया उस्ताद सलाम कर ले, मुक्तदी भूल गया इमाम साहब सलाम कर ले। अब आइए फिर उसी तरफ चले, ऐसा ही मामला था हुसैन आजम का। कई मरतबा इमाम हसन ने कोशिश की मैं अपने छोटे भाई हुसैन को सलाम कर लूं, मगर नंबर नहीं आने दिया। जब जब सरकार इमाम हसन आपकी बारगाह से होकर के गुजरते थे, हुसैन आजम खड़े होकर के सलाम कर लिया करते थे, मगर एक दफा ऐसा हुआ दोनों भाइयों में अनमन हो गई, नाराजी हो गई, यानी बोला चाली बंद हो गई। अब हो गई तो हो जाने दीजिए, आते का बाप से नाराज होता है, मुक्तदी इमाम से नाराज होता है, शागिर्द उस्ताद से नाराज होता है। आज नाराजी होगी, 10 साल के बाद राजीनामा होगा। मेरे सरकार फरमाते सच्चा पक्का मोमिन वो है जो 3 दिन से ज्यादा अपने भाई से नाराज न रहे। अभी दोनों भाइयों में अनबन हो गई, हुसैन आजम छोटे हैं, इमाम हसन बड़े हैं। तीसरा दिन निकला, दोनों ही भाइयों को अपने नाना जान का फरमान याद आ रहा है, सूरज निकल आया है, सूरज चढ़ता चला जा रहा है, दिन बढ़ता चला जा रहा है। हुसैन सोचते हैं आज तीसरा दिन है, मेरे भाई से राजीनामा हो तो कैसे हो। उसे हसन आजम सोच रहे हैं मेरा छोटा भाई नाराज है, बोला चाली हो तो कैसे हो। आज इमाम हसन ने फिर इरादा किया, अपने भाई की तरफ से होकर के गुजरू, जब होकर के गुजरूंगा मेरा छोटा भाई सलाम करेगा, मैं सलाम का जवाब दूंगा, नाराजी दूर हो जाएगी। अब जुमले दिल की डायरी पर नोट करना, तारीख बताती है इमाम हसन हुसैन की बारगाह से होकर के गुजरे, हुसैन आजम ने आज सलाम न किया, चेहरा नीचे को कर लिया, आज सलाम नहीं किया। जब नहीं किया इमाम हसन के दिल पर चोट लगी, रोते हुए पहुंचे अपनी अम्मी जान की बारगाह में, अम्मी जान आज मेरे भाई हुसैन ने सलाम न किया, ए मेरे लाल क्यों सलाम न किया। कहते हैं मैं नहीं जानता, बुलाओ अपने बेटे हुसैन को। फातिमा आवाज देती है बेटा हुसैन जरा हमारे करीब आओ। हुसैन आजम करीब गए, जाकर के सलाम किया। फातिमा पूछती है बेटा आज तुमने बड़े भाई हसन को सलाम न किया, आपकी जान मैंने सलाम न किया, ए मेरे नाना जान क्या तुम्हें फरमान याद नहीं था। अपने नाना जान का कहने लगे फरमान तो याद था, ए बेटा फिर क्यों सलाम न किया। कहने लगे अम्मी जान एक दिन हमने अपने नाना जान को ये कहते हुए सुना था, अगर दो भाइयों में अनबन हो जाए नाराजी हो जाए, और जब तीसरा दिन निकले, तीसरा दिन निकलते ही उन दो भाइयों में जो पहले सलाम करता है वो पहले जन्नत में जाता है। वो अभी जा आज मैंने सलाम यूं ना किया था, आज अगर मैं पहले सलाम करता वो जन्नत में जाने का नंबर आता तो मैं पहले जन्नत में जाता, और हुसैन की मोहब्बत को ये दबारा ना था कि जब जन्नत में जाने का नंबर आए तो छोटा भाई पहले जन्नत में जाए, बड़ा भाई बाद में जन्नत में। ये कहते हैं मोहब्बत। आज हम सिर्फ कहते हैं हमें बड़े भाई से प्यार है, हमें बाप से प्यार है, कहां गई
मोहब्बत है, उंगली कटा करके शहीदों में नाम लिखना लिखाओ, तरीका मुस्तफा को अपनाओ। बहरहाल इजाजत ली इमाम हसन की बारगाह से चले, मुहर्रम की 2 तारीख को करबला के मैदान में पहुंचे। अब आइए यहाँ से बात शुरू करें ताकि तकरीर समझ में आती रहे। मुहर्रम की 2 तारीख है।